हाय फ्रेंड्स, टीएफ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुरानी शिक्षा नीति से ये क्यों बेहतर है और इसमें ऐसी क्या संभावनाएं हैं जिससे हमारे देश को बहुत फायदा होने वाला है, या हम ये भी संभावनाएं तलाश करेंगे कि विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा भी उन कौन से लोगों को शिक्षा की जरूरत है जिसकी वजह से हमारा देश बहुत जल्दी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। तो विद्यार्थियों को शिक्षा देने की बात तो हमेशा से ही होती आई है। एक और नया एंगल है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें कहां पर अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पुरानी शिक्षा नीति की बात कर लेते हैं, जिसको 10+2 बोला जाता था, यानी कि 10th क्लास तक सबको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में सभी बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का विकल्प चुनने का मौका दिया जाता था जो 11th 12th में वो पढ़ते थे, उसके बाद में उच्च शिक्षा यानी कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे। और चार स्टेज होते थे, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। पहली से पांचवी क्लास तक को प्राथमिक शिक्षा बोला जाता था, पांचवी से आठवीं तक को उच्च प्राथमिक बोला जाता था, आठवीं क्लास से दसवीं क्लास तक को बोला जाता था माध्यमिक शिक्षा, और दसवीं से बारहवीं क्लास तक को बोला जाता था उच्च माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद में जो कॉलेज है उसको उच्च शिक्षा बोला जाता था। अभी भी यही चार स्टेज है, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज है और क्लास का मतलब एज का थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी की शिक्षा नीति को देखते हुए प्रथम दृष्टता यह लगता है कि ये बच्चे की उम्र को लेकर बहुत ध्यान दिया गया है, इसमें संज्ञान में रखा गया है कि बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखा गया है कि बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दी जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है और वाजिब है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यही बोलता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। यानी कि छोटे बच्चे को आप किसी हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। तो माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ब्रेन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन बनाया लिया गया है और ये स्टेजेस बनाई गई है। जैसे कि पहले चार स्टेज थी, यहाँ पर भी चार स्टेज है, लेकिन पहले 10+2 बोला गया, यहाँ पे 5+3+3+4, यानी कि 5-3-3-4, 5 साल 5 साल 3 साल 3 साल 4 साल। तो स्टार्टिंग के जो 5 साल है उसको दोस्तों बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि मूलभूत स्तर, मतलब मूलभूत शिक्षा, वो 3 साल से लेके 8 साल के बच्चों के लिए है। जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा, स्कूल में दाखिला लेगा, तो 3 साल तक उसको प्री स्कूल में रखा जाएगा, यानी कि प्ले स्कूल जिसको बोला जाता था अभी के तौर पे। उसके बाद में पहली और दूसरी क्लास में 2 साल उसको एक्टिविटी करवाई जाएगी जिससे कि वो खेल खेल में सीख सके। तो ये हो गया आपका मूलभूत शिक्षा। उसके बाद तीसरी क्लास, चौथी और पांचवी, यानी कि 3 साल उसको बोला गया प्रिपरेटरी, मतलब आरंभिक शिक्षा। तो 3 साल आरंभिक शिक्षा के हो गए और फाउंडेशनल शिक्षा के 5 साल हो गए थे, 3 साल प्री स्कूल और पहली दूसरी, तो 5 साल हो गए थे। उसके बाद में मिडिल स्टेज बोला गया है। मिडिल स्टेज में कौन कौन सी क्लासेज आएगी, 6th 7th 8th, यानी कि 3 साल फिर से बच्चा अपना गुजारेगा, वो 6th क्लास 7th और 8th क्लास में गुजारेगा। उसके बाद में 4 साल, यानी कि 5+3+3+4, 4 साल में 2 स्टेज है। पहले फेज में 9th क्लास और 10th क्लास, उसके बाद में 11th और 12th क्लास, और यह 12वीं तक सभी बच्चे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज रहेगी, सब्जेक्ट रहेंगे, जिससे कि वो अपनी ब्रेन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस किया जा सके बच्चे को। तो जैसे कि पांचवी क्लास तक वो 2 स्टेज पूरा कर लेगा, फिर 8वीं क्लास तक 3rd स्टेज में आएगा, फिर 8वीं से 12वीं तक 4th स्टेज में रहेगा। तो 8वीं से 12वीं तक की जो स्टेज है उसमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस उनको पहले भी करवा दिया जाएगा उससे। और जो बड़ी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छे सब्जेक्ट होते हैं हायर लेवल के, उनको आपको स्टेज 4 में पढ़ाया जाएगा, जिसको कि सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। तो ये था फॉर्मूला 5+3+3+4 का। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपने एज को डिसाइड कर दिया कि 3 से 8 साल तक का बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा, 8 से 11 साल का बच्चा जो है वो प्रिपरेटरी यानी कि आरंभिक शिक्षा स्टेज में रहेगा, उसके बाद में 11 से 14 साल तक का बच्चा जो है वो मिडिल स्टेज में रहेगा, और 14 से 18 साल तक का बच्चा जो है
वो सेकेंडरी स्टेज में रहेगा, उसके बाद में जब वो 12वीं पास कर लेगा उसके बाद में वो कॉलेजेज में एडमिशन ले सकता है और अपने अकॉर्डिंग डिग्री प्राप्त कर सकता है। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो उम्र के अनुसार वो सीखेगा तो उसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, अच्छे से समझने में आएगा, वो प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस होगा तो उसकी पकड़ उस पर अच्छे से बनेगी क्योंकि उसके ब्रेन की कैपेसिटी तब तक डेवलप हो चुकी होगी। उसके बाद में 12वीं तक सबका कॉमन रहेगा, तो इसमें एक फायदा ये है कि वो 12वीं के बाद में मतलब वो जो विकल्प उसने चुना है मान लो उसमें वो बराबर नहीं कर पाया है किसी कारणवश, तो वो वापस से अपना 12वीं तक का जो शिक्षा है उसको दूसरे कोर्स में लगा सकता है और वो उसकी योग्यता बनी रहेगी एग्जाम्स देने के लिए या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है इस शिक्षा नीति में। लेकिन दोस्तों, क्या ये इस तरह से आप बना लेने से ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है? तो मेरा मानना है कि ऐसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है जब तक कि हम शिक्षा के स्तर को शिक्षक की शिक्षा के स्तर से नहीं देखेंगे। यानी कि आपका जो टीचिंग लर्निंग मॉडल है उसमें टीचर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम फैसिलिटेटर बोल सकते हैं क्योंकि वो बच्चों को प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये अगर खुद वो उससे फेमिलियर नहीं है प्रॉब्लम से तो वो बच्चों तक उसको का अधिगमन नहीं कर सकता, यानी कि वो सिखा नहीं सकता। हमारे देश में 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि हमारी देश की 70% जनता गांव में, रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में निवास करती है और उनके बच्चे सरकारी स्कूल जो वहां होते हैं उसमें पढ़ते हैं। वहां पे एक टीचर होता है 5 क्लास के लिए, तो दिन भर में वो कितना पढ़ाता होगा, कैसे पढ़ाता होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा ये बात है कि हमारे शिक्षा में इथिक्स की बात नहीं होती है। अभी मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा करता है, सिविल इंजीनियर बन गया है, लेकिन वो कभी भी टाइम पे काम नहीं करता है और बिना रिश्वत के काम नहीं करता है, तो क्या शिक्षा का महत्व बचा है या हमारे देश के विकास में वो उसकी शिक्षा काम आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको इथिक्स नहीं सिखाया, हमने उसको रोड पे चलना, रोड पर बिहेव करना, लोगों से बात करना, डिसेंसी और करप्शन फ्री ब्रेन, वो जो चीजें हैं वो हमने उसको नहीं सिखाई है। इस वजह से वो जब बच्चा निर्णायक पदों पे जाएगा यानी कि डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे वो बैठेगा तब वो डिसीजन नहीं लेगा। डिसीजन किस तरह के लेगा? जो उसके लिए अच्छा होगा, न कि सबके लिए अच्छा होगा। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे जो नियम कानून बनाने वाले लोग हैं, जो संसद में बैठते हैं और जो विधान मंडलों में बैठते हैं, संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि जो सांसद हैं, और विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के जो विधायक हैं, यानी कि हमारे देश में सांसद और विधायकों की शिक्षा की नीति में भी बदलाव की जरूरत है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये नई शिक्षा नीति पूरी तरह से कारगर होती है, 100% सफल होती है, तो भी हमें कितने कम से कम साल लगेंगे? 15 साल लगेंगे, क्योंकि जो बच्चा 3 साल का अभी है वो 15 साल बाद वोट करने के लायक बनेगा और इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे व्यक्ति को वोट करके उसको इलेक्ट करेगा, उसको चुन के हमारी संसद में या हमारे विधान मंडलों में भेजेगा, तो वो लोग सही से डिसीजन ले पाएंगे। यानी कि कितना साल बाद? 15 साल के बाद में हमारे देश में कुछ अलग और नया होने की संभावनाएं बनती है इस शिक्षा नीति से। तो क्यों नहीं हम आज के जो मौजूद हमारे शिक्षक हैं और हमारे सांसद और विधायक हैं उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए कि तंत्र में, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, लोगों को, कर्मचारियों को जवाबदेह, अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल बनाए। क्यों नहीं हम ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर दें जिससे कि हर कर्मचारी की एक अकाउंटेबिलिटी हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके, जिससे कि हमारे आसपास के जो विभाग हैं और हमारे आसपास के जो निर्णायक पदों पे लोग बैठे हुए हैं उनको जिम्मेदार बनाया जा सके और पब्लिक का काम तुरंत किया जा सके, जिससे करप्शन को खत्म किया जा सके, पब्लिक का जो समय है, पैसा है, उसको बचाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है जो पब्लिक में जो फ्रस्ट्रेशन आता है अगर कोई समय पे काम नहीं करता है या बिना रिश्वत के काम नहीं करता है, तो उसके बाद में जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो फ्रस्ट्रेशन हमारे देश का फ्रस्ट्रेशन होता है जो कम्युलेटिव
फ्रस्ट्रेशन बन जाता है पूरे देश का और एक नकारात्मकता डेवलप करता है हमारे देश में। तो वो नकारात्मकता कब जाएगी? जब हमारे निर्णायक पदों पे बैठे हुए हमारे नियम कानून बनाने वाले लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक के और देश हित में। और दूसरा ये है कि हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनको उनके आचार, उनके व्यवहार, उनका बोलने का स्टाइल, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी कार्यशैली, उनका पंचुअलिटी और उनका काम के प्रति समर्पण, ये सब जब तक हम शिक्षक में नहीं डालेंगे तब तक वो बच्चे को सही से ट्रेंड नहीं कर सकता, सही से शिक्षा नहीं दे सकता। क्योंकि हर बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता है कि वो खुद से ही ये सब चीजें सीख ले। हम देखने से और सुनने से ज्यादा सीखते हैं। हम किसी को भाषा सिखा सकते हैं, किसी को हम जोड़ना घटाना सिखा सकते हैं, लेकिन हम सामाजिक तौर पर जो जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि कचरा नहीं फेंकना है कहीं पर, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, आपराधिक प्रवृत्ति को हमारे मस्तिष्क में नहीं पनपने देना है, ये सब चीजें भाषा सिखाना और जोड़ना घटाना सिखाने से नहीं आती है। ये सब चीजें आपस में देखने से और हमारे शिक्षकों के, हमारे राजनेताओं के, हमारे रिलेटिव्स के, हमारे एक्वेंटेंसेस के व्यवहार से, उनकी बात करने के तरीके से ही बच्चों में डेवलप होते हैं। तो अगर इस तरह का माहौल नहीं रहेगा तो नई शिक्षा नीति, जो पहले की पुरानी शिक्षा 34 साल के बाद में आई है, उसके बराबर ही ऐसा ही साबित होगी। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा में जोर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन विद्यार्थियों के ही शिक्षा में बदलाव की नहीं, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के भी और निर्णायक पदों में बैठे हुए लोगों की और शासन प्रशासन के लोगों की भी शिक्षा में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी ये देश बहुत जल्दी से विकसित हो पाएगा। अदरवाइज अभी तो कोई भी इस तरह की आस नजर नहीं आ रही है, किस तरह की होप प्रे जो होती है वो नजर नहीं आ रही है कि हमारा देश बहुत अच्छे से विकसित हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा नीति आ जाने मात्र से या उसके स्तर के नाम चेंज करने मात्र से शिक्षा में सुधार होगा या देश में सारे प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन हो जाएगा, ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और आप क्या मानते हैं इसके बारे में कि शिक्षा बच्चों के साथ शिक्षकों और बाकी निर्णायक पदों पर बैठे हुए शासन प्रशासन के लोगों में भी शिक्षा में बदलाव की जरूरत है या नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, टीएफ नॉलेज चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।